लॉकडाउन के चलते करीब दो महीने से देश भर में हवाई सेवाएं बंद हैं, जिन्हें अब शुरू किया जा रहा है। 25 मई से देश भर में एक बार फिर सभी उड़ानें शुरू होंगी। हवाई सेवाओं को लेकर डीजीसीए ने नियम भी जारी कर दिए हैं और इसी के साथ भारतीय विमान प्राधिकरण ने एसओपी जारी करते हुए यात्री और एयर स्टाफ को एयरपोर्ट पहुंचने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन को सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट टैक्सी की व्यवस्थाएं करने के आदेश दिए हैं। यात्रियों को लेकर भी नियम जारी किए गए हैं। हालांकि यात्रियों को विमान डिपार्चर से दो घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने को कहा गया है और इसी के साथ अगले चार घंटे में फ्लाइट होने पर ही यात्रियों को टर्मिनल पर प्रवेश दिया जाएगा। एयरपोर्ट टर्मिनल में दाखिल होने से पहले सभी यात्रियों को ग्लव्स और मास्क जैसी सुरक्षा किट पहनना यहां पर बहुत जरूरी होगा। हवाई यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु पर रजिस्टर्ड होना भी अनिवार्य किया गया है। हालांकि इस नियम से 14 साल के कम उम्र के बच्चों को छूट दे दी गई है और इसे लेकर आज नागरिक उड्डयन मंत्री मीडिया से भी मुखातिब होंगे। दो महीने से बंद पड़ी भारतीय विमान सेवा को अब शुरू किया जा रहा है। जी हां, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल इसको लेकर ट्वीट किया था, जिसके बाद भारतीय विमान प्राधिकरण ने एक एसओपी जारी की है जिसमें यात्रियों और एयरपोर्ट स्टाफ को एयरपोर्ट पहुंचने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले यात्रियों को लेकर भी कुछ नियम जारी किए हैं, जिसमें आरोग्य सेतु ऐप को जरूरी किया गया है। जी हां, आरोग्य सेतु ऐप को आपके फोन पर होना आवश्यक रहेगा, जिसको सीआईएसएफ और एयरपोर्ट स्टाफ भी चेक करेगा। हालांकि इस नियम से 14 साल से कम उम्र के बच्चों को बाहर रखा गया है। इसके साथ ही साथ एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले सभी यात्रियों को करीब दो घंटे पहले पहुंचना होगा और अगले चार घंटे में फ्लाइट होने पर ही आपको एयरपोर्ट टर्मिनल में प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ एयरपोर्ट टर्मिनल में प्रवेश से पहले ग्लव्स और मास्क को भी अनिवार्य किया गया है। ऐसे कुछ नियम है जिनको लेकर आज हरदीप सिंह पुरी नागरिक उड्डयन मंत्री दोपहर 3 बजे मीडिया से रूबरू भी होंगे। मैं कैमरा पर्सन रामकिशन सैनी के साथ ऋषभ पांडे, एवन टीवी न्यूज, जयपुर। अधिक अपडेट के लिए ऋषभ पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ऋषभ, देखिए 25 मई से हवाई सेवाएं भी शुरू हो रही हैं, तो मैं चाहूंगी दर्शकों को आप बिल्कुल ये बता दें कि किस प्रकार की तमाम एहतियात वहां पर बरती जाएंगी और यात्रियों के लिए क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए मनीषा, यदि देखा जाए तो भारतीय विमान प्राधिकरण ने जो आरोग्य सेतु ऐप है उसको कंपलसरी किया हुआ है। इसके साथ ही साथ यदि देखा जाए तो जो यात्री हैं उन्हें एयरपोर्ट टर्मिनल पर दो घंटे पहले पहुंचना होगा, लेकिन यदि उनकी फ्लाइट चार घंटे बाद है तो वो थोड़ा सा रुक कर ही जाएं, क्योंकि चार घंटे पर ही फ्लाइट होने पर उन्हें एंट्री दी जाएगी। इसके साथ ही साथ ग्लव्स मास्क इनको कंपलसरी किया गया है। इसके साथ ही जो एयर प्लेन के अंदर जब बैठेंगे तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के पूरे आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही विमान प्राधिकरण ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन को भी साफ निर्देश दिए हैं कि जो विमान सेवाओं में जो काम करने वाले लोग हैं, इसके साथ ही यात्री हैं, उन्हें एयरपोर्ट पहुंचने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो ट्रैफिक पुलिस है उसका वो भी इसका ध्यान रखे। इसके साथ ही जो सीआईएसएफ है उनको भी साफ निर्देश दिए गए हैं कि जब वो एयरपोर्ट पर चेकिंग करें तो उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। इसके साथ ही जो एयरपोर्ट पर यात्री पहुंचेंगे उनके अब सामान को उन्हें खुद ही सैनिटाइज करवाना होगा और जो ट्रॉली ले जाने का काम है वो बंद कर दिया गया है। ट्रॉली अलाउ नहीं है एयरपोर्ट पर इस बार, जिसके चलते जो सोशल डिस्टेंसिंग है और जो जो नियम केंद्र सरकार ने दिए हैं उनकी पालना करवाई जाएगी। जी ऋषभ, तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।